आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही गौरांग शाह हैं जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल करते हैं। हमारे पास क्वेरी आई है दिल्ली से हरिमन जी की। हरिमन जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम, एक तो प्रेजेंट कैमशाफ्ट आईपीओ प्राइस पे है 100 शेयर 186 रुपए पे जी, और महानगर गैस लिमिटेड ये भी आईपीओ प्राइस पर। दोनों आईपीओ प्राइस पर आपने लिए हैं, ठीक है ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग सलाह आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग्स हैं दोनों ही, प्रिसिशन कैमशाफ्ट में भी और महानगर गैस में भी आईपीओ प्राइस पर खरीदारी की हुई है, सलाह क्या देंगे अभी? साक्षी, प्रिसिशन कैमशाफ्ट का जब आईपीओ आया था और जो टिप्पणी और बयान मैनेजमेंट ने दिए थे, जो भी योजनाएं इनकी जो पूंजी जुटाई है बाजार में से उसको लेकर के, पहले तो वैल्यूएशन को लेकर के थोड़े बहुत सवाल या निशान लगे थे, इस करके हमने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ देखा है। और यहाँ पर क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर के ऊपर के तरफ के आंकड़े थे, बहुत जल्द आउट परफॉर्मेंस या फिर अच्छा बेहतर स्तर आना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। तो उछाल पर बेचे और यही पूंजी अगर ये निकाल करके कहीं और निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से, तो हमारी राय में REC एक बेहतर कंपनी है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक है इस कंपनी का, और सरकार की जो भी पहल है उसको लेकर के हमें लग रहा है कि आने वाले समय में REC पावर ग्रिड और पावर से जुड़ी हुई कंपनी, पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये बेहतर विकल्प है। महानगर गैस नीश कंपनी है, महाराष्ट्र में इनका मोनोपोली है पाइप्ड डिस्ट्रीब्यूशन गैस का, और जो भी पूंजी जुटाई है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के बयान थे कि विस्तार योजनाओं में ये जोड़ेंगे और भी नए कनेक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाएंगे, जिसके कारण आने वाले समय में काफ़ी कुछ वृद्धि हो सकती है नतीजों में, तो यहाँ पर ये बने रह सकते हैं जी। तो आपको राय दी गई है महानगर गैस के संदर्भ में कि आप बने रह सकते हैं, और साथ साथ प्रिसीजन कैमशाफ्ट को लेकर भी राय दी गई है। एक बार लॉजिस्टिक्स स्पेस पे नजर डालिए, करीब करीब कंटेनर कॉप, स्नोमैन, गति, एजिस सब में ही बाइंग आई है, और ऑल कार्गो, सिकाल जैसी कंपनियां जो हैं उनमें भी कुछ काफी हद तक बाइंग सपोर्ट करते, पटेल इंटीग्रेटेड 3% ऊपर, DCI 2% ऊपर, ऑल कार्गो 2% ऊपर, श्रेया शिपिंग 2% ऊपर। अभी कुछ देर पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट के भी बयान आ रहे थे, उनका इनका MOS फाइनेंस जो है उनका मानना है कि इस सत्र के अंदर जो है GST है वो शायद पास हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये सकारात्मक तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए रहेगा। तो ये सकारात्मक बयान और उसका इम्पैक्ट भी आता दिखाई पड़ा पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस के ऊपर। भगत से बातचीत कर लेते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से। भगत जी नमस्कार। मैं गौरांग साहब से पूछना चाहता हूँ जी। खम्मा गणी, मेरे पास IDFC है, मैंने 1200 शेयर लिए थे, 700 बेच दिए 51 रुपए में, मेरे पास 500 बचे 43 से भाव के। क्या ये एक्सिस बैंक के जैसे हो सकता है कि एक्सिस मेरे पास 90 रुपए के पड़े हुए? ओके गौरांग, ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, और इनका सवाल है कि 44 रुपए के भाव पर इनकी खरीदारी है, 500 शेयर इनके पास बचे हैं, 1200 शेयर थे, कुछ शेयर बेच दिए हैं, कुछ शेयर इनके पास अभी भी पड़े हैं, 52 रुपए के आसपास आ चुका है। इनका ये मानना है क्या ये HDFC बैंक की तरह एक बिग साइज, एक बिग टिकट साइज बैंक बनेगा? दो, इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट आप क्या राय रखते हैं गौरांग, क्या कर सकते हैं? वेल खम्मा घड़ी, इनको भी महाराज और कुछ लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो आप तुलना कर रहे हैं कि एक बड़ी दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक के जैसा रुझान यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, तो पहले तो हाल ही में ये बैंक बनी है, विस्तार योजना इनके पास काफ़ी है, नए ब्रांचेस खोलने की इन्होंने बात की है, वो खुलेगी, उसके बाद उनका कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी, उसके पश्चात ये जोड़ेगा। तो जो आप एक उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि दिग्गज निजी बैंक के जैसे ये परफॉर्म करेगी, तो परफॉर्म तो बिल्कुल कर सकती है, और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बदलाव हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में हुआ है और जो भी नियमों नए नियम या फिर नियम बदले गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे जो पूरे बैंकिंग सेक्टर की सेहत है वो काफ़ी अच्छे से सुधर सकती है। अब आने वाला समय बताएगा, और वो काफ़ी लंबा समय है, कि क्या ये दिग्गज बैंक बन सकती है, हाल फिलहाल आपका निवेश है तो बने रहे जी। चलिए अगला सवाल के लिए पुणे से सौरभ ने हमें कॉल किया। नमस्कार सौरभ जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मैंने लंबोदर टेक्सटाइल के शेयर लिए हैं, 380 शेयर है मेरे पास, ठीक है, और उसका खरीद प्राइस 145 का है। कुछ नुकसान तो आपको जरूर हो रहा है, आपने कब खरीदे थे ये मार्च में हमने खरीदे थे, और अब कितना समय दे सकते हैं?
अब अगर हमारे पास टाइम है, लेकिन अगर वो अगर कुछ उम्मीद है तभी हम उस पर रुक सकते हैं। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष लंबोदरा टेक्सटाइल्स पर क्या कहेंगे? 145 के लेवल्स पर खरीदारी की है, काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन समय इनके पास है, तो क्या इनको यहीं पर बने रहकर वेट करना चाहिए इन लेवल्स का, या फिर स्विच करना चाहिए? अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बने रहना, अगर हम बने भी रहते हैं लंबी अवधि का भी हम होराइजन लेते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक में से उनको निकल जाना बेहतर रहेगा, और मैं इसी सेक्टर में से नहीं लेकिन इंफ्रा में से एक स्टॉक रिकमेंड यहाँ पे उनको करना चाहूँगा, जो है ARSS इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसने एक अच्छे खासे लंबे अवधि के पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, जो कि इस स्टॉक को यहां से करीबन 50-55% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की क्षमता रखता है अगले करीबन एक साल की अवधि में। तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में से निकल जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में से ARSS इंफ्रा में निवेश किया जाए, तो ये इनका जो लॉस हो रहा है वो भी रिकवर होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इनको यहाँ पे मिल जाएगा। जी, तो ARSS इंफ्रा दूसरा विकल्प आपको बताया गया है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं इस शेयर से निकलकर। चलिए अब रजत से बातचीत कर लेते हैं। रजत से बात करेंगे हम एफएनडब्ल्यू स्पेस को लेकर, कि डेरिवेटिव में किस तरह की सिचुएशन देखने को मिली, खासतौर से मार्केट के अंदर एक दायरे के अंदर कामकाज हो रहा है। रजत, बाजार एक रेंज में है, स्पेशली जो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है वो ड्राइव हो रही है, खासतौर से फार्मा आज का एक हीरो बना हुआ है। आपके पास कौन कौन से शेयर्स और मार्केट को लेकर क्या आंकड़े हैं? बिल्कुल, फार्मा में तो मैं अरविंदो फार्मा ही चूज करूंगा, क्योंकि आज निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक और एफएनओ में भी परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रांगली आज एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे पहले बाजार, जैसे आप बोल रहे हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट और वो अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल एक नैरो रेंज पे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज 800,000 शेयर्स तो निफ्टी फ्यूचर्स पे ऐड ऑन होते हुए नजर आए, ताजा खरीदारी ज्यादा देखने को मिली। ऊपर से 8500 की जो पुट है वो आज भी काफी स्ट्रांगली राइट हुई है, 10,00,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन 8500 की पुट में जुड़ता हुआ नजर आया, यानी कि अब बेशक कंप्लीटली हो चुका है। 8400-8500 के जोन्स पे इंपॉर्टेंट जोन्स इस समय मार्केट्स के पास है। मॉनसून सेशन से कोई भी पॉजिटिव खबर यहां से बाजार को और ऊपर ले जा सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो ये लेवल टूटेगा, नहीं तो ये 84-85 को लेवल तोड़ना इस सीरीज के लिए बहुत मुश्किल मार्केट्स के पास है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अब बाजार फंस कहाँ रहा है, बाजार फंस रहा है 8600 के लेवल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन 8600 की कॉल पे ही है और 8600 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट के पास है। अच्छी खबर, 8600 के लेवल को अगर बाजार तोड़ गया तो यहाँ पर और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं, 71,00,000 कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 8600 की कॉल में, यानी कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज के हिसाब से। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें आज, तो फार्मा स्टॉक्स एक्टिव हैं, अरविंदो फार्मा मिसाल के तौर पर स्टॉक पे दमदार रिटर्न मिल रहे हैं। एफएनओ में कुछ और स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं, मिसाल के तौर पर वोल्टास इस स्टॉक पे फोकस करें, क्योंकि सुबह से यहाँ पर निश्चित रूप से काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई और स्टॉक पे 2.5-3% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पिछले दो दिनों से स्टॉक पे कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है और आज भी एफएनओ में यहाँ पर ताजा खरीदारी के आंकड़े निकल के आए। और एक स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, कल नतीजों के बाद स्लाइटली डिप थी लेकिन अब रिकवरी शो कर रहा है और स्टॉक में 1% के आसपास की तेजी बन चुकी है। ये स्टॉक भी इस समय ट्रेडर्स के ग्रिप में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे डेरिवेटिव मार्केट्स के अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और दर्शकों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है, इनफैक्ट हमें कॉल किया है चेन्नई से गौरव ने। नमस्कार गौरव, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास अशोक लेलैंड के 1000 शेयर हैं जी, 93.5 के रेट पे जी। और आपका नजरिया और क्या है? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने यहाँ पर निवेश किया है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, सलाह क्या देंगे अशोक लेलैंड पर? उन्होंने 93 के आसपास ही लिया है, खरीदारी की है और शॉर्ट टर्म का नजरिया भी है, उसी के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है अशोक लेलैंड पर। अशोक लेलैंड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत लंबी रैली के बाद यहाँ पे करेक्शन के मोड पे ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। करीबन 112-113 के लेवल से ये स्टॉक करीबन 90 के लेवल पे आता हुआ नजर आया था हमें। यहाँ पे अभी एक बेस बिल्डिंग होने की संभावना है, यहाँ पे एक टाइम करेक्शन होगा। यहाँ पे मैं मानता हूं कि अगले 10 या 15 दिन ट्रेडिंग सेशंस यहां पे कंसोलिडेशन होने की संभावना है। कंसोलिडेशन एक ऐसा फेज होता है जहां पे निवेशक को कोई भी चाल चलनी नहीं चाहिए। अगर मेरे पास ये स्टॉक है तो होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जब बेस फॉर्मेशन होता है उसके बाद अगर मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मोमेंटम उस स्टॉक में नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि ये होल्ड करें। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा 88 रुपीज का, और अगर हम इस स्टॉक को 95 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं तो ये सीधा 104 के लेवल तक जाने की संभावना है। तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जी। तो बने रहे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको बनाकर रखने की जरूरत दी जा रही है अशोक लेलैंड के अंदर। 93-15 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। चलिए और भी दर्शकों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वासुदेव हैं जो कि आसाम से मौजूद हैं। वासुदेव जी नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं वासुदेव बोला था जी। नमस्कार वासुदेव जी, क्या सवाल है आपका? 350 सर बैंक ऑफ इंडिया है मेरे पास सर। ओके, 114 की रेट में सर। ओके, तो क्या करूं सर तुम जी? गौरांग, सवाल है इनका बैंक ऑफ इंडिया पर, 350 शेयर है, 114 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 110-11 का मौजूदा स्तर है, 0.25% नीचे है, क्या राय रखें? देखिए, एज अ डिस्क्लोजर हमारी बिकवाली की राय है, रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन है, और मौजूदा स्तर से महज 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरी राय होगी इनको कि ये निवेश यहाँ से निकाले, और अगर सरकारी बैंक में ही निवेश करना है तो अभी कुछ समय पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर ही अपना निवेश बदल सकते हैं, या फिर मझौली सरकारी बैंक है मिसाल के तौर पर आंध्रा बैंक, अलाहाबाद बैंक। एज अ डिस्क्लोजर यहाँ पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है, खरीदारी की राय बरकरार है, और हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बैलेंस शीट की परिस्थिति है वो पहले सुधार इन सब बैंक्स में देखने मिलेगा, और बैंक ऑफ इंडिया में जो सुधार है उसको आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, तो आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है, बैंक ऑफ इंडिया से आप निकल जाएं, और सिमिलर स्पेस की ही आपको और कंपनीज बताई गई हैं और बैंक्स बताए गए हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। इसी नोट पर अब वक्त तो चला है जानने का कि पोजिशनल परस्पेक्टिव से एक्सपर्ट्स कहाँ दाव लगाने के लिए आपको सलाह दे रहे हैं। शुरुआत आशीष में आपके साथ करूंगी। आज के लिए आप दो इन्वेस्टमेंट पिक्स बताइए जहाँ पर निवेशक निवेश कर सकते हैं इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल परस्पेक्टिव से। दो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से पहला जो स्टॉक है, पहले करना इस कंपनी का नाम था SKS माइक्रो, तो अभी भारत फाइनेंशियल्स हो गया है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 783 का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो पहला लक्ष्य है 825 का। अगले 4-5 या 6 ट्रेडिंग सेशन में ये लक्ष्य हमें चार्ट के ऊपर टेस्ट करता हुआ नजर आएंगे हम। और दूसरा जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है मुथूट फाइनेंस। अभी मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक में आज एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आया है। अभी ये स्टॉक करीबन 280 ऑड लेवल के यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे करीबन 274 का, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 295 का। जी, तो दो राय आपको दी जा चुकी है आशीष की तरफ से, जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं खरीदारी के लिए। गौरांग, आपकी तरफ से पोजिशनल कॉल कहाँ पर है, कहाँ खरीदारी की राय दे रहे हैं? सुमित, दो अलग अलग क्षेत्र चुने, और एक दिग्गज और एक मझौली कंपनी है, तो पहले तो फार्मा क्षेत्र से मझौली कंपनी ग्लेनमार्क हमने चुनी है। हाल ही में हमने जो लक्ष्य है ऊपर की तरफ बढ़ाया 935 के किए, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे अपना निवेश शुरू करें और नीचे के तरफ के दायरे में और भी बढ़ाते जाएं। समय सीमा थोड़ा बहुत लंबा रखने की आपको दरखास्त है। दूसरा है IT की कंपनी दिग्गज इन्फोसिस, जिसके नतीजे काफ़ी ख़राब आए और कल विप्रो के भी नतीजे काफ़ी निराशाजनक आए, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजों के दिन ही अगर आप देखने जाएं सुमित, तो 10% की गिरावट के आसपास जहां पर ये ट्रेड कर रहा था, तो डिलीवरी बेस बाइंग है, और उसके पश्चात लगातार डिलीवरी बाइंग आप देख रहे हैं 160-170-180 के आसपास। यहां पर हमने लक्ष्य बढ़ाए, नीचे की तरफ किए, 1300 का लक्ष्य है उसको नीचे की तरफ घटा करके 1240 का किया। जी चलिए, तो गौरांग की तरफ से भी दो पिक्स आ गई हैं। एक फार्मा स्पेस से आप ग्लेनमार्क पर निवेश कर सकते हैं, 935 का लक्ष्य रखिए, और साथ ही इन्फोसिस में भी आप निवेश कर सकते हैं, 1240 के लेवल्स यहां पर देखे जा सकते हैं, और स्ट्रांग अपसाइड के लिए आप यहां पर भी पोजीशन बना सकते हैं।